संस्थान है सुरेश, और इस वीडियो में मैं बात करूंगा डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के बारे में। तो ये जो स्कॉलरशिप है ये अभी स्टार्ट हो चुकी है, अगर आपने ये फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो आप जरूर भरें। अगर आप सारी कंडीशंस जो है इसकी फॉलो करते हो तो आप भर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप फॉर्म भरोगे तो कुछ प्रॉब्लम है जो अभी आ रही है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम जो है उसे देखने के लिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ये ऑलरेडी जो फॉर्म है वो स्टार्ट किया हुआ है, तो मैं सिर्फ आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो आप यहाँ देखेंगे। जैसे हम यहाँ पे कैटेगरी चूज़ करते हैं, कैटेगरी हम यहाँ पे शेड्यूल कास्ट चूज़ कर ली हमने। शेड्यूल कास्ट जब हम चूज़ कर लेते हैं तो जो प्रॉब्लम आ रही है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब हम यहाँ पे शेड्यूल कास्ट चूज़ कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं कैटेगरी, तो उसके बाद में जो प्रीवियस कोर्स है वो मैं आपको दिखाऊँगा क्या है। तो प्रीवियस कोर्स में हम यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन, ठीक है, ट्वेल्थ, टेंथ, मीन्स ये जितनी भी यहाँ पे स्ट्रीम दी हुई है ये हम सेलेक्ट कर सकते हैं आसानी से। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो प्रॉब्लम है वो कहाँ है, वो अब आप देखना। यहाँ पे मैं बैकवर्ड क्लास चूज़ करता हूँ, बैकवर्ड क्लास यहाँ पे चूज़ किया, और जो प्रीवियस कोर्स है वो अभी हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे। यहाँ पे सिर्फ अब हम ये देखिए टेंथ सेलेक्ट कर लिया मैंने, लेकिन ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ये हाईलाइट नहीं है। तो बैकवर्ड क्लास के लिए हम फर्स्ट जो प्रीवियस कोर्स है वो यहाँ पे सिर्फ टेंथ ही सेलेक्ट कर पा रहे हैं। और उसके अलावा मैं अब दूसरी कास्ट के लिए देखता हूँ। यहाँ पे अगर मैं करता हूँ जर्नल, तो जब मैं यहाँ पे जर्नल सेलेक्ट कर लेता हूँ और तब उसके बाद मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि प्रीवियस कोर्स में कि हम क्या देखिए, यहाँ पे टेंथ सेलेक्ट कर सकते हैं लेकिन ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ये हाईलाइट नहीं है, मीन्स ये हम सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो जो प्रॉब्लम थी वो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि जो बैकवर्ड क्लास या फिर जनरल क्लास के बंदे हैं उनके लिए टेंथ ही यहाँ पे प्रीवियस कोर्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पे आ रही है। मेरे जो एक और वीडियो मैंने बनाया हुआ था वहाँ पे कॉमेंट आ रहे थे कि यहाँ पे ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है, तो अभी भी ये प्रॉब्लम एज इट इज बनी हुई है। अगर आपको इसके बारे में कोई अपडेट है तो प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर बताएं, और दूसरे लोगों तक भी ये वीडियो आप जरूर शेयर करें ताकि पता चल जाए और वो परेशान ना हो कि यहाँ पे क्या भरना है क्या नहीं भरना है। अब ये कंफ्यूजन है कि अगर हम ये जनरल या बीसी के लिए भरते हैं तो वहाँ पे 10th क्लास से ही अप्लाई करना है, अगर हम अप्लाई कर देते हैं तो एप्लीकेशन अप्रूव होगी या नहीं, इस बात में भी कंफ्यूजन रहता है। तो जो भी है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है इस फॉर्म को अगर आप भरते हो तो बस मुझे यही दिखाना था। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ में। बाय बाय।